फोर्थ स्ट्राइकर्स के कैप्टन ये मैच तो आप भले हार गए हो लेकिन उम्मीदें अभी तक कायम है और आपके लिए गिफ्ट है, लूजिंग टीम के लिए गिफ्ट है, तो एक छोटा सा गिफ्ट है वो यहाँ पर आप लेके जा सकते हैं। वसंत और मैन ऑफ द मैच कैप्टन ऑफ फोर्थ स्ट्राइकर्स और मैन ऑफ द मैच फोर्थ स्ट्राइकर्स कैप्टन प्लीज कम ऑन स्टेज और मैन ऑफ द मैच हेलो मैन ऑफ द मैच के लिए चावड़ा स्मैच के मैन ऑफ द मैच चावड़ा जिन्होंने पहली पारी में बैटिंग की और सबसे ज्यादा 11 रन अपनी टीम के लिए जोड़े चावड़ा मैन ऑफ द मैच और लूजिंग टीम फोर्थ स्ट्राइकर्स के लिए एक जो गिफ्ट है वो यहां पर चावड़ा आप आइए प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए आपके लिए टी शर्ट है मयूर स्पोर्ट्स की तरफ से मैन ऑफ द मैच चावड़ा आइए प्लीज और अब थोड़ी देर में हम दूसरे मैच की तरफ बढ़ेंगे और जब मैच की शुरुआत होगी आपसे फिर से एक बार रूबरू होंगे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अंपायर से अनुरोध है कि मैच को जल्द से जल्द चालू कराएं और टॉस उड़ाएं जल्द से जल्दी
देखिए मैं खाया तू मंगा वो मैं गया था भाई अभी काम पे था। अरे सीरा खिलाने का तो कोवा खिलाया। ओ भाई भाई को बोलो ना इधर है, इधर है वो मास्टर वाला तो इधर बैठा है। क्या हो देखा ना वो सीरा लाने का था ना साथ में कल। अरे सीरा मस्त था कल सीरा खिलाना। दादा पानी बोल रहे बोल रहे तुम कौन जीतले टॉस है रोहित ना रोहित ही ने काम तो रिजेंट था।
एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है। एक जरूरी सूचना है और कंपलसरी भी है कि ये टूर्नामेंट आपके लिए है और जो निर्धारित आप लोगों के लिए किया गया है कि हर खिलाड़ी को व्हाइट एंड व्हाइट कंपलसरी है, ये ध्यान में रखें। प्लीज अनुशासनहीनता बनाए रखें और टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना सहयोग दें हमें। सलाह दोनों टीम से कैप्टन प्लीज आपला एक अतिरिक्त खेलाड़ू पाठवा कमेंट्री बॉक्स मध्ये। मोस्ट वेलकम। जितने भी दर्शक इस मैदान में इस स्पर्धा का लुफ्त उठा रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन करना चाहूंगा मैं स्लेटर रोड मंडल और जीटीएससी गवालिया टैंक मित्र मंडल के सभी पदाधिकारियों को और सभी कार्यकर्ताओं को। ये स्वर्गीय विराज गोवेकर की स्मृति में ये 13वें वर्ष में इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, भारी भरकम इनामी राशि और भव्य चषक, भव्य ट्रॉफियां जो आप देख सकते हैं यहां पर शोभायमान हो रही हैं और प्रत्येक मैच के लिए मैन ऑफ द मैच की टी शर्ट मयूर स्पोर्ट्स की ओर से और हारने वाली जो टीम होगी उनके लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट है, आकर्षक गिफ्ट। और स्वर्गीय विराज गोवेकर स्मृति चषक 2020 वर्ष 13वें अगस्त क्रांति मैदान से आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण YouTube पर लाइव टेलीकास्ट शो का लाइव क्रिकेट के माध्यम से। और अपने साथ साथ मेरे मुख्य अंपायर की भूमिका में जो पहले मुकाबले से डटे हुए मैदान पर कुतुब सर और उनके साथ रामानुज इस मैदान में इस मैच में अंपायर की भूमिका को साकार करेंगे और मेरे साथ स्कोरर ऑफलाइन जो कि हमारी मदद कर रहे हैं लगातार योगेश बैठे हैं।
तो दूसरे मैच की शुरुआत हो रही है आज के दिन की, आज पहला दिन, और पहले दिन में पहले मैच में जीत हासिल की है लुकास बॉयज ने। काफी अच्छा प्रदर्शन, 40 रन के लक्ष्य को डिफेंड किया वहां पर। और अब दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे मैच में रोहित 11 बनाम शरण्य 11 के बीच मुकाबला है, और रोहित 11 ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और फील्डिंग के लिए गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज है अमय, और स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए निखिल साजिद, और नौ स्ट्राइक पर निखिल। मैच की शुरुआत, दूसरा मैच, स्वर्गीय विराज गोवेकर स्मृति चषक 2020। पहली गेंद दर्शनी शॉट, पहली गेंद पर क्रिकेटिंग स्ट्रोक टेनिस क्रिकेट में जब भी देखने को मिलते हैं, और जो बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगती है तो जो आवाज आती है उससे काफी मजा आता है। और एक सिंगल के साथ साथ शुरुआत की है, बहुत ही दर्शनीय शॉट देखने को मिला साजिद के बल्ले से, और अब स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हम पहले ही मैच से देखते आ रहे हैं, दोनों ही पारियों में दोनों टीम की ओर से लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो कि दबाव बनाने में सफल साबित होते हैं अक्सर, हमने काफी जोड़ी देखी है तेंदुलकर और सौरव गांगुली के बीच हो, या फिर अब लगातार जो चल रहा है उसके बीच। ये गेंद डॉट फुलर लेन की गेंद थी, और पढ़ने में थोड़े से असमर्थ दिखाई दिए निखिल, गेंद डॉट हुई, अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर सिंगल के साथ शुरुआत हुई है, टॉस जीता है रोहित 11 ने, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, दबाव बनाने की कोशिश पूरी तरह से शरण 11 के गेंदबाजों के द्वारा। अगली गेंद में इस बार उठाकर खेल दिया है, बहुत ही ऊंचा लंबा शॉट है, देखना है कितनी दूर जाती है, फील्डर गेंद के नीचे है, गेंद का इंतजार कर रहे हैं, जब तक गेंद गिरेगी उनके हाथों में आएगी, और जब तक थ्रो जाएगा आसानी के साथ दो रन पूरे करेंगे, और इन दो रनों के साथ अब स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच जाएगी 3। मध्यम शुरुआत, एक सकारात्मक शुरुआत। अगली गेंद निखिल के लिए, इस बार लो फुल टॉस, गेंद को कनेक्ट जरूर किया, लेकिन जब तक डीप वाइड मिड ऑन पर गेंद को फील्ड करते फील्डर, तब तक एक सिंगल और स्ट्राइक को रोटेट किया निखिल ने, और स्कोर को बढ़ाकर पहुंचाया 4। दो गेंद अभी भी स्कोर किया ना बाकी है। साजिद काफी शुमार खिलाड़ी हैं टेनिस क्रिकेट जगत में, और काफी नाम हासिल किए हैं उन्होंने टेनिस क्रिकेट के माध्यम से, बड़े लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन देखना है इस मैच में किस प्रकार का जलवा बिखेरेंगे अपनी टीम के लिए। और यहां पर अपील हुई थोड़ी सी, पैरों पर लगी गेंद, और लेग बाय का इशारा अंपायर का, एक सिंगल हासिल किया और एक रनों की संख्या को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 5। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, तो फिलहाल तो अभी तक तो बांध के रखा है गेंदबाज अमय। Can we have the bowler's name? Rajmal. Rajmal. Rajbhar. Okay. Rajbhar surname. नहीं, गेंदबाज राजभर। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद करने की कोशिश की, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला, एक सिंगल साजिद के बल्ले से, और रनों की संख्या को बढ़ाकर पहुंचाया है 8। दूसरे ओवर का खेल जारी है, और अब 5 गेंदें इस ओवर में आना बाकी है। ये महज संयोग है कि स्वर्गीय विराज गोवेकर स्मृति चषक और हमारा गणतंत्र दिवस दोनों ही हम यहां पर मना रहे हैं, और इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है, गेंद डॉट रही, कोशिश की थी स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने की। अच्छा,
तो अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार निखिल। स्पर्धा की दूसरी मैच इनसाइड आउट खेला, गेंद को कवर्स के ऊपर से ढकेलने में सफल हुए। दो रन डिक्लेयर जोन में हासिल करने के लिए बेहतरीन शॉट निखिल के बल्ले से, और निखिल लगातार हाथ खोलने में सफल हो रहे हैं। और साजिद ने अब तक थोड़ा सा सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की है और लगातार सिंगल डबल खेलकर स्ट्राइक देने में विश्वास रख रहे हैं निखिल को, क्योंकि निखिल इस समय थोड़े से आक्रामक मूड में लग रहे हैं। और इन दोनों के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 10 दहाई के आंकड़े पर, और डबल डिजिट में स्कोर। एक बार फिर से स्ट्राइक पर निखिल, गेंदबाजी आक्रमण पर राजभर, इस बार ऊंचा शॉट, लंबा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे है, दूर जरा भी नहीं जाएगी गेंद, और एक आसान सा कैच मिलेगा, पहले विकेट का पतन होगा, ब्रेक थ्रू मिलेगा और सफलता दिलाई है यहां पर राजभर ने, पहला विकेट गिरा और निखिल बैक टू द पवेलियन। कैच को नहीं पकड़ ली, कैच कुस्तुफ एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन पर कौस्तुप के द्वारा, अगली गेंद राजभर की, इसे पुल कर दिया है फील्डर गेंद के नीचे, ओ व्हाट अ कैच, बेहतरीन कैच यहां पर अमय के द्वारा, जबरदस्त, काफी ऊंची जंप लगाई, अगर ये कैच छूट जाता तो दो रन मिल जाते, लेकिन दाद देनी होगी एक बड़े बल्लेबाज को, यहां पर पवेलियन की तरफ रवाना किया है साजिद बैक टू द पवेलियन। प्रथमेश आए हैं नए बल्लेबाज और अब साजिद की जगह लेने, देखना होगा कौन से बल्लेबाज आते हैं। फिलहाल बैक टू बैक विकेट गिरी है यहां पर राजभर का ओवर ये सफल साबित होता हुआ, अब ये हैट्रिक पर है, शानदार वापसी की है, पहले ओवर में 7 रन बनने के बाद इस ओवर में राजभर ने अब तक सिर्फ 3 रन दिए हैं, 5 गेंदों में 2 विकेट अपने नाम किए हैं वो भी बैक टू बैक, अब हैट्रिक पर है, तो देखना है हैट्रिक पूरी करते हैं, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हमें देखने को मिलती है या फिर नए बल्लेबाज प्रथमेश कुछ और करने के मूड में है, ये तो अभी पता चलेगा अगली गेंद पर। अगली गेंद इस बार फ्लिक किया कलाइयों के सहारे से गेंद को वाइड मिड ऑन पर, जब तक गेंद फील्ड होती एक सिंगल, और इसी के साथ एक बढ़िया ओवर फील्डिंग टीम के द्वारा समाप्त हुआ, काफी शानदार गेंदबाजी राजभर के द्वारा इस ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ले आए हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और अब थोड़ा सा विचार विमर्श करने की जरूरत है बल्लेबाजी टीम को, दोनों बल्लेबाज जो अब तक नए हैं इस क्रीज पर आए हैं, दोनों ही शुरुआत के बल्लेबाज साजिद और निखिल वापस पवेलियन लौट चुके हैं, अब प्रथमेश और सैंडी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पारी को अब सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और एक अच्छे टोटल तक अपने टीम को पहुंचाएं। बॉलर्स ने अजिंक्य, तो अब गेंदबाजी आक्रमण का जिम्मा अजिंक के ऊपर है, तीसरे ओवर की कमान उनको सौंपी गई है, अब तक 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी हुई है और खास करके तारीफ करनी होगी राजभर की, जिन्होंने पिछले ओवर में 4 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए, अच्छी शुरुआत, और स्ट्राइक पर अब है प्रथमेश और गेंदबाजी आक्रमण पे है अजिंक्य। तीसरे ओवर की पहली गेंद, ओहो फुलर लेंथ गेंद थी, यॉर्कर लेंथ गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर गेंद को
थोड़ा सा हवा में उछाला और जब तक लॉन्ग ऑफ पर गेंद फील्ड होती आसानी से खाता खोलेंगे अपना प्रथमेश और एक सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 12। स्ट्राइक पर संडी और गेंद को कट किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, एक सिंगल हासिल किया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं दूसरे के लिए और दो रन यहां पर पूरे करते हुए अगली गेंद सैंडी के लिए और इस बार लेग स्टंपर गेंद थी, बैक फुट पर गेंद को पुल करने की कोशिश हुई लेकिन गेंद काफी नीची रही और कोई रन नहीं इस गेंद पर, डॉट बॉल। अगली गेंद अजिंक्य की सैंडी के लिए, एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया, गेंद डॉट और ये दूसरी गेंद डॉट की है अजिंक्य ने इस ओवर में और पूरी तरह से कामयाब रहे हैं बल्लेबाज को परेशान करने में, दबाव बनाकर रखा है बल्लेबाजी टीम पर। और इस बार यॉर्कर लेन की गेंद थी, टैप किया गेंद को कवर्स की तरफ मोड़कर एक सिंगल हासिल किया और दो गेंद डॉट होने के बाद बल्लेबाज ने थोड़ी सी यहां पर नरमी दिखाई और फैसला किया कि नहीं यही सही रहेगा, फिलहाल सिंगल डबल पे भरोसा जताना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास बड़े शॉट खेलने के लिए मौके नहीं मिल रहे हैं, खराब गेंद नहीं मिल रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करें सिंगल और डबल करके सुचारू रूप से पारी को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार उठाकर खेला है, क्या जबरदस्त शॉट है लेकिन कोई फायदा नहीं, फील्डर ने कोई गलती नहीं की, एक वेल जज कैच देखने को मिला और एक सफलता अपने आखिरी गेंद पर अजिंक्य को मिली एक विकेट के साथ। यहां पर प्रथमेश को लौटना होगा पवेलियन और तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर होगा 15 रन तीन विकेट के नुकसान पर। कौस्तुभ तो अब तीन विकेट गिरने के बाद जब स्कोर बनता दिख नहीं रहा है तो हमारे बीच इस समय बल्लेबाजी करने आए हैं किशन देवेंद्र और किशन देवेंद्र की बल्लेबाजी आपको सब कुछ बताएगी। फिलहाल देखना है किशन देवेंद्र अब किस प्रकार से पारी को आगे बढ़ाते हैं और ये देखिए आते ही पुल किया है, पावरफुल जबरदस्त शॉट और मुझे लगता है इस टूर्नामेंट का पहला चौका देखने को मिलेगा। किशन देवेंद्र ने आते ही यहां पर आतिशबाजी के साथ शुरुआत की है और एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ा है चार रन के लिए प्रतिउत्तर देते हुए नजर आ रहे हैं और पहला बाउंड्री पहला चौका किशन देवेंद्र के बल्ले से। व्हाट अ शॉट, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल मिली और किशन देवेंद्र के रेंज में इस प्रकार की गेंदें करना आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है। ये फिलहाल तो अभी चौका लगा है, अब आगे आगे देखते हैं किशन देवेंद्र क्या करते हैं और क्या कहर भर पाएंगे इस टूर्नामेंट में।
हालांकि अब तक गेंदबाजी टीम हावी रही है और समीर को पहली गेंद पर चौके के साथ स्वागत किया है। अब देखना है आखिरी की पांच गेंदों में क्या नजरिया देखने को मिलता है। एक बार फिर से गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं, स्क्वायर लेग पर गेंद गिरेगी, डिक्लेयर जोन में जाएगी, अंपायर का इशारा देखना होगा, एक रन का इशारा पर डिक्लेयर जोन में और स्ट्राइक रहेगी फिर से एक बार किशन देवेंद्र के पास। तो दोनों ही बल्लेबाजों को हम देख रहे हैं, दोनों ने ही टेनिस क्रिकेट जगत को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत ही योगदान दिया है और एक जबरदस्त खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। एक तरफ है संदीप आचार्य सैंडी और दूसरी तरफ है किशन देवेंद्र। अगली गेंद किशन के लिए, पोल करने का प्रयास और शानदार गेंदबाजी यहां पर समीर के द्वारा, चारों खाने चित किया और सीधे स्टंप को निशाना बनाया। किशन देवेंद्र बैक टू द पवेलियन और क्या जवाब दिया है, चौका लगने के बाद अगली गेंद पर सिंगल और नेक्स्ट बॉल जो है वो थी गेंदबाजी टीम के लिए, वो थी समीर के लिए एक उम्दा गेंद जिसे समझने में परेशानी हुई किशन देवेंद्र को और आखिरकार अपना विकेट गंवाकर किशन देवेंद्र बैक टू द पवेलियन, चौथा विकेट गिरता हुआ। और अब हमें स्टार कास्ट देखने को मिल रही है टेनिस क्रिकेट जगत के, जो भी यहां पर बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं उन सभी का लगातार यहां पर आगमन हो रहा है। श्रेयस तेंदुलकर आए हैं बल्लेबाजी आक्रमण पर स्ट्राइक पर और अब ग्लेन का भी आगमन हुआ है। वेलकम ग्लेन, ग्लेन भाई थी रोहित इलेवन की ओर से बल्लेबाजी करने का जिम्मा श्रेयस तेंदुलकर। श्रेयस तेंदुलकर ने पिछले जितने मैच में जैसी जैसी पारियां खेली हैं वो सभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कितनी करामात की और क्या शानदार गेंदबाजी लगातार समीर के द्वारा, बैक टू बैक दूसरी विकेट श्रेयस तेंदुलकर को रवाना किया है आते ही और ये थोड़ा सा असमंजस में दिखाई दे रहे हैं टीम इस समय और क्या गेंदबाजी की है इस प्रकार के बल्लेबाजों को जो टॉप क्लास में टॉप रैंकिंग पर हैं इस समय टेनिस क्रिकेट में। पहले आउट किया किशन देवेंद्र को क्लीन बोल्ड और अगली ही गेंद पर श्रेयस तेंदुलकर को रवाना किया पवेलियन की तरफ, शानदार गेंदबाजी समीर के द्वारा, जितनी भी तारीफ की जाए कम है और ऐसी स्टार कास्ट के सामने इस प्रकार की खतरनाक गेंदबाजी। और श्रेयस तेंदुलकर के जाने के बाद अब उनकी जगह लेने आए हैं ग्लेन, तो अब हैट्रिक पर हैं। पिछले ओवर में दूसरे ओवर में भी हमने देखा राजभर आए थे गेंदबाजी आक्रमण पे, वो भी ऑन हैट्रिक थे, लगातार दो विकेट लेने के बाद आखिरी गेंद पर सिंगल और उसके बाद अब समीर के पास मौका है। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद क्या जबरदस्त वापसी की है, आप देख सकते हैं पहली गेंद पर चार, दूसरी गेंद पर सिंगल और आखिर के दोनों गेंदों पर दो विकेट किशन देवेंद्र और श्रेयस तेंदुलकर जैसे बल्लेबाजों को चलता किया है। तो समीर जो है इस मैच के बाद बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ग्लेन के ऊपर और संदीप आचार्य सैंडी के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस पारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर को कहां तक पहुंचाएं और क्या टोटल अपने टीम के लिए सेट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी की निगाहें होंगी हैट्रिक पर जो कि इस समय समीर हैं, लगातार दो गेंदों में दो बड़े बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की तरफ रवाना किया। अब आखिरी गेंद, आखिरी दो गेंदें बची हैं, इस समय हैट्रिक पर हैं, स्ट्राइक पर रहेंगे ग्लेन, देखना होगा क्या होता है अगली गेंद पर। गेंदबाजी करने के लिए समीर तैयार, स्ट्राइक पर ग्लेन, हैट्रिक बॉल है ये,
क्या पहली हैट्रिक देखने को मिलेगी हमें? नहीं, इस बार ग्लेन ने थोड़ा सा चतुराई दिखाई और कट किया गेंद को पॉइंट की तरफ। एक सिंगल लेकर जो विकेट गिरने का सिलसिला था उसे रोका, उसे थामा और अपना खुद का खाता खोला ग्लेन ने सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पर। अब जाकर काफी देर के बाद एक रन जुड़ा है और स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंची है 21 रन। कुल 5 विकेट अब तक गिर चुके हैं और अब ज्यादा समय बचा नहीं है। ये चौथा ओवर है, इसकी ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, इसके बाद एक ओवर आना बाकी है सैंडी के लिए अगली गेंद। समीर के द्वारा इस बार सैंडी ने बैकफुट पर जाकर गेंद को थोड़ा सा लॉफ करते हुए स्क्वायर लेग पर खेला, फील्डर गेंद पर आए, जब तक फील्ड करते और थ्रो करते एक रन के साथ स्ट्राइक का अपने पास रखेंगे सैंडी आखिरी ओवर में। ओवर समाप्त, चौथे ओवर के बाद टीम का टोटल स्कोर है 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित 11। काफी उतार चढ़ाव अब तक देखने को मिला है इस पारी में। शुरुआत हुई जब पहले मैच में लुकास 11 और फोर्थ स्ट्राइकर्स के बीच 40 रन का स्कोर लुकास 11 डिफेंड किया, तो अब ऐसा लगता है कि इस ओवर में अगर आखिरी ओवर में अब तक 22 रन बने हैं तो 15-16 रन अगर बनते हैं तो एक डिफेंडेबल टोटल जरूर कहलाएगा क्योंकि स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। और फिलहाल गेंदबाजी आक्रमण में हम देख सकते हैं आखिरी ओवर की शुरुआत, स्ट्राइक पर सैंडी और इस बार उठाकर खेल दिया है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई, एक रन का इशारा अंपायर की ओर से। और राजभर व्यक्तिगत दूसरा और अपने टीम के लिए आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं गेंदबाजी आक्रमण पे। अभी तक जकड़ के रखा है, पूरी तरह से दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं गेंदबाज, लेकिन आखिरी की 5 गेंदें अभी भी निर्णायक साबित होंगी अगले मैच के लिए। ओ, बहुत ही बढ़िया गेंद, ब्रोकर लाइन पर गेंद, कोई मौका नहीं, हाथ बांध कर रखा, लेकिन एक सिंगल लेने में सफल हुए संदीप आचार्य और एक सिंगल के साथ स्कोर अब थोड़ा सा आगे बढ़कर पहुंचा है 24-24 रन। स्ट्राइक पर ग्लेन, आखिरी की 4 गेंदे और विस्फोटक पारी के लिए जाने जाते हैं स्लॉग ओवर में। काफी बड़ी पारियां ग्लेन के बल्ले से देखने को मिली है, मिड विकेट पर खेला है, फील्डर गेंद के पीछे, एक सिंगल से ज्यादा मिलने की गुंजाइश नहीं, बहुत ही सटीक फील्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है और गेंदबाजी और फील्डिंग काफी अच्छा साथ दोनों का, बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट देखने को मिला है। अगर गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो जरूरी है कि फील्डर उनका साथ दें, तब गेंदबाज थोड़ा सा मनोबल में आता है और अच्छी गेंदबाजी को आकार देता है। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार स्क्वायर लेग पर खेल दिया है गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से, 4 रन, ये दूसरा चौका इस मैच का किशन देवेंद्र के बाद सैंडी के बल्ले से और इस चौके के साथ स्कोर में बढ़ोतरी आएगी, स्कोर बढ़ के पहुंच जाएगा 29-29 पर। दो गेंदे अभी भी आना बाकी है, तीसरा रन बन चुके हैं, अब आखिरी दो गेंदे स्लॉग ओवर की आखिरी ओवर की बाकी हैं। सैंडी निश्चित रूप से कुछ अलग करना चाहेंगे, आगे निकल कर खेलने की कोशिश, ब्रोकर लेन की गेंद थी, हेलीकॉप्टर बना के गेंद को खेला, कारपेट ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन पर पहुंचने से पहले गेंद फील्ड हुई, ओवर थ्रो हुई, दौड़ चुके हैं सैंडी और यहां पर ग्लेन जब तक क्रीज में पहुंचते गिल्लियां बिखेर दी रनआउट के रूप में, 6 विकेट ग्लेन के रूप में गिरता हुआ। अब 30 रन, ओवर में 8 आया, हाँ आठ
आखिरी गेंद इस पारी की सैंडी के लिए। ओहो ऊंचा शॉट देखना है, दूरी कितनी है शॉट में, एक रन मात्र। थोड़ा सा और वाइड होता तो ये गेंद निश्चित रूप से स्क्वायर लेग के ऊपर से बाहर जाती, लेकिन कोशिश अच्छी की सैंडी ने और इस कोशिश में नाकाम रहे। फिलहाल एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में जरूर कामयाब हुए रोहित 11 के बल्लेबाज अपनी टीम को। तो स्कोर बढ़कर हुआ है 31 31 रन और 32 32 रन टू विन। मोस्ट वेलकम किशन, किशन देवेंद्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्गीय विराज गोवेकर स्मृति चषक 2020 13वां वर्ष और 13वें वर्ष का ये
पहला दिन इस टूर्नामेंट का, स्पर्धा का पहले दिन का ये दूसरा मैच जो खेला जा रहा है रोहित 11 और शरण 11 के बीच। रोहित 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 31 रन स्कोरबोर्ड पर खड़े किए और 32 रनों का लक्ष्य रखा है शरण 11 के लिए। स्ट्राइक पर साई, पहले ओवर की पहली गेंद, ओहो क्या दर्शनी शॉट, कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट करके गेंद को उठाया, किशन देवेंद्र वहां पर मौजूद और गेंद को स्टॉप करने में कामयाबी हासिल की, एक सिंगल के साथ खाता खोला है। अगली गेंद इस बार सामने की तरफ खेला, गेंदबाज के बिल्कुल बगल से फील्डर के हाथों में लॉन्ग अपर, मिसफील्ड ग्लेन के द्वारा और 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला चौका दूसरी पारी का, जबरदस्त शॉट और ये मिसफील्ड कितनी भारी पड़ सकती है ये ग्लेन को भी पता है और रोहित 11 को भी पता है। शुरुआत में पहली पारी में जो फील्डिंग हमें देखने को मिली थी शरण ने 11 की ओर से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत फील्डिंग वहां पर देखने को मिली हो, लेकिन यहां पर एक गलत फील्डिंग और नतीजा अब आगे हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन वापसी भी करने में कामयाब होंगे। निश्चित रूप से इस बार कवर्स की दिशा में गेंद को खेला है फील्डर, डीप में मौजूद संदीप के हाथों में गेंद, एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, कौस्तुभ के बल्ले से हमें चौका देखने को मिला था और इसके बाद एक सिंगल और अब स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 6-3, गेंदों का खेल हो चुका है। रोहित 11 इस समय थोड़ा सा बैकफुट पर है लेकिन अभी काफी समय है वापसी करने के लिए। ओहो बारी किनारा, श्रेयस ने कोशिश अच्छी की लेकिन दूर रह गए उनसे थोड़ा, ये गेंद डॉट रही, अच्छी गेंदबाजी, इस बार वापसी करने में कामयाब हुए, गेंद डॉट। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद में वो मिड विकेट पर खेला, फील्डर के हाथों में गेंद, सैंडी गेंद पर लपके तेजी से और एक रन से ज्यादा देने का मौका नहीं दिया, अच्छी वापसी, एक बार फिर से एक सिंगल के साथ रोक के रखा और स्कोर बढ़ के पहुंचा है 7। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, अगली गेंद कौस्तुभ के लिए, बैकफुट पर गेंद को कट किया पॉइंट की तरफ, जब तक फील्डर आते गेंद पर एक रन लेकर स्ट्राइक का अगले ओवर में अपने पास रखेंगे। कौस्तुभ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के 32 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शरण ने 11। अच्छी शुरुआत, सबसे पहले गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी शरण ने 11 के, चाहे वो राजभर हो फिर बाद में आए समीर हो और सभी गेंदबाजों और उनके साथ साथ फील्डर की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि फील्डर अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छे कैचेस पकड़ते हैं तो उससे मनोबल बढ़ता है। हमने कैच देखा पहली पारी में अमय के द्वारा, बहुत ही शानदार कैच उन्होंने पॉइंट पर पकड़ा। नए गेंदबाज रोहित माने, समीकरण इस समय बिल्कुल बॉल टू बॉल है, जितने गेंद हैं उतने ही रन बनाने हैं जीत हासिल करने के लिए, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश इस समय रोहित 11 को करनी होगी। रोहित की पहली गेंद और पहली ही गेंद पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकला जोन में, उम्दा शॉट, लंबा शॉट, 2 रन के लिए, शानदार बल्लेबाजी कौस्तुभ के द्वारा। और इन 2 रनों के साथ अब रनों की संख्या बढ़कर डबल डिजिट में पहुंची है, दहाई के आंकड़े पर 10 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान के बन चुके हैं। और अब अगली गेंद पर देखना है कौस्तुभ क्या करते हैं, फुल टॉस गेंद, बहुत ही दर्शनीय शॉट, लेकिन शॉट पर वहां पर फील्डर तैनात, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा इतनी तो पूरी गारंटी है और आखिरी गेंद तक भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि दोनों ही टीमों में स्टार कास्ट बहुत लंबी है, गेंदबाजी फील्डिंग बल्लेबाजी दोनों की बात करें तो कोई भी टीम एक दूसरे से पीछे नहीं है। अच्छा शॉट, कोशिश अच्छी थी फील्डर की शॉट पर लेकिन उनके बगल से गेंद निकल गई, इस बार देखिए
ग्राउंड का भी साथ थोड़ा बहुत मिलता है। यहां पर कोशिश अच्छी थी फील्डर की, लेकिन आखिरी समय पर गेंद एक्स्ट्रा बाउंस होकर सर के ऊपर से निकल गई और बैकअप किया वहां पर ग्लेन ने, फील्ड करके गेंद को रोका जरूर लेकिन दो रन लेने से बल्लेबाजों को नहीं रोक पाए, कौस्तुभ को नहीं रोक पाए, और इन दो रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या अब बढ़कर पहुंच चुकी है 12। अगली गेंद एक बार फिर से लो फुल टॉस, गेंद को फ्लिक किया गेंद को मिड विकेट पर, जब तक गेंद फील्ड होती एक सिंगल और स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 13। रोहित की अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला, इस बार मिड ऑफ पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक दौड़ कर आएंगे फील्ड करेंगे एक सिंगल के द्वारा स्कोरबोर्ड पे रनों की बढ़ोतरी होगी और स्कोर बढ़ के पहुंच जाएगा 14 रन 14 बिना किसी विकेट के नुकसान के। सीधे बल्ले से इस बार गेंद हवा में है, फील्डर दो दो गेंद के नीचे, कोशिश बहुत अच्छी की थी किशन देवेंद्र ने लेकिन आखिरकार गेंद उनके हाथ से छिटक गई और ये देखिए रन भागने का प्रयास अभी भी जारी है और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, गेंद को बाउंड्री के अंदर रुकाने में कामयाब हुए और इस बीच 3 रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और क्या जबरदस्त शॉट, उमदा बल्लेबाजी लगातार कौस्तुभ के बल्ले से और टोटल स्कोर अब बढ़ के पहुंच गया है 2 ओवर में 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और अगर ऐसे ही खेलते रहे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, अब 18 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए शरण 11 को। रोहित 11 को पहली ही गेंद पर अक्षय का स्वागत किया है चौके के साथ कौस्तुभ ने और लाजवाब बल्लेबाजी कौस्तुभ के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद लेकिन उतनी ही अच्छी सूझबूझ के साथ गेंद को पॉइंट की तरफ ढकेल कर पिछली गेंद पर चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर समझदारी का परिचय देते हुए कौस्तुभ एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और एक सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 22-22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, अब जीत से ज्यादा दूर नहीं है और कौस्तुभ को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही सोचकर गए हैं कि ये मैच को जीता कर ही मैं मुझे लौटना है, लेकिन फिलहाल वापसी अब रोहित 11 के गेंदबाज कर पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। ये गेंद इसे कट करने की कोशिश की, खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से बाहरी किनारा लगा, फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल और स्कोर बढ़ के पहुंच गया 23-23 रन। 3 गेंदें अभी भी इस ओवर में आना बाकी है, 3 गेंदों में 6 रन अब तक खर्च किए हैं अक्षय ने। अगली गेंद कौस्तुभ के लिए एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी और शॉट पर फील्डर के हाथों में गेंद को स्टॉप करने में कामयाब रहे, गेंद डॉट। स्वर्गीय विराज गोवेकर स्मृति चषक 2020 13वां वर्ष अगस्त क्रांति मैदान से ये दूसरा मुकाबला आज के दिन का हम देख रहे हैं। बैकफुट पर गए, गेंद को हवा में उछाल दिया है, हवा में गेंद है जरूर और डिक्लेयर जोन में जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर से आसानी के साथ 2 रन अर्जित करने में और दाद देनी होगी कौस्तुभ की, वन साइड बैटिंग कर रहे हैं। साई ने अब तक मात्र 5 गेंदें खेली हैं, 4 रन बनाए और अगर कौस्तुभ की बात करें तो उनका स्कोर लगातार बढ़ते ही जा रहा है, वन मैन शो बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल। अब स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 25, मात्र 7 रनों की जरूरत है और इस ओवर की आखिरी गेंद अभी आना बाकी है। ओहो ब्लॉकर लेन की गेंद, बढ़िया गेंद, वापसी करने में कामयाब, गेंद डॉट और इसी के साथ तीसरा ओवर समाप्त हुआ यहां पर और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है कुल मिलाकर 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के 25, 12 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। अब यहां पर कुछ चमत्कार ही रोहित 11 को जिता सकता है, अन्यथा ये मैच अब शरण 11 के पक्ष में पूरी तरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इंतजार करना होगा और
उम्मीद करनी होगी, आशा करनी होगी कि वही चमत्कार हो और रोहित 11 इस मैच में वापस आ सके। और नए गेंदबाज अजय व्यक्तिगत दूसरा और अपने टीम के लिए चौथा ओवर करने के लिए गेंदबाजी आक्रमण पे। लगभग मैच को अपने कब्जे में कर लिया है। बैकफुट पर गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर ग्लेन के हाथों में पहला विकेट गिरा और सफलता मिली है यहां पर अजय को। और अगर यहां पर लगातार विकेटें दो तीन अगर गिरा दे तो शायद मैच में वापसी हो सकती है। फिलहाल ब्रेक थ्रू यहां पर मिलता हुआ साई बैक टू द पवेलियन, काफी देर तक साथ निभाया, एक अच्छी पार्टनरशिप, 25 रन की पार्टनरशिप करने के बाद कौस्तुभ का साथ छोड़ा साई ने, विकेट गिरा यहां पर और उनकी जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज। आकाश पहली गेंद डॉट और एक विकेट, कामयाबी जरूर हासिल की है लेकिन स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ गए हैं कौस्तुभ। अजय की अगली गेंद कौस्तुभ के लिए, ओहो इनसाइड आउट खेला है, गेंद हवा में है, मौका है यहां पर सैंडी के पास, वेल जज कैच और जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट यहां पर मिलता हुआ कौस्तुभ बैक टू द पवेलियन। लेकिन जिस काम के लिए वो सलामी जोड़ी के लिए बल्लेबाजी करने आए थे उन्होंने कर दिया है, अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा करने के बाद अपना विकेट खोया है उन्होंने, तो ज्यादा परेशानी अब उनके साथियों को नहीं होनी चाहिए, आने वाले बल्लेबाजों को। अब यहां पर देखना है और किस तरह से वापसी कर पाते हैं, दो गेंदों में दो विकेट लेने के बाद अजय ने एक थोड़ा सा सोच में डाल दिया है शरण 11 को। अब यहां पर 10 गेंदे हैं, 10 गेंदों में 7 रन की जरूरत है, अभी भी मैच बन सकता है, जरूरत है यहां पर दो तीन दो विकेट और चटकाने की या फिर कुछ गेंदे डॉट हो जाए। प्लीज थोड़ा जल्दी जाइए बैट्समैन, नए बल्लेबाज शुभम। तो दोनों ही शुरुआत के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं और अब दोनों ही जो बल्लेबाज हैं वो नए हैं, दोनों ही सेट होने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको सेट होने से पहले अगर रोहित 11 के गेंदबाज कुछ कर पाए तो अच्छी बात है। फिलहाल अजय के पास मौका है हैट्रिक लेने का, अभी तक कोई भी हैट्रिक देखने को नहीं मिली है, हालांकि ऑन हैट्रिक बहुत सारे गेंदबाज हुए। ओहो हो बढ़िया गेंद, तीसरी गेंद लगातार डॉट, 9 गेंदे और 7 रन, मैच में ट्विस्ट आता हुआ थोड़ा सा। ओह एक और गेंद डॉट, बढ़िया गेंदबाजी, लगातार 4 गेंदे, शुरुआत के 2 गेंदों में 2 विकेट, अगली 2 गेंदे डॉट, 8 गेंदे और 7 रन, अब ये मैच पूरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये गलती थोड़ी सी भारी पड़ सकती है, ज्यादा ही कुछ आगे गेंद को पटका और नतीजा मिला वाइड बॉल। 8 गेंदे और अब 6 रन की जरूरत है यहां से मैच को जीतने के लिए। और ये पुल किया है, पुल पावरफुल भी है सक्सेसफुल भी है, 2 रन डिक्लेयर जोन में जाने के लिए गेंद तैयार और 2 रन और स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है अब जाकर 28-28 रन। आखिरी गेंद अभी 20 ओवर की बाकी है, अब यहां से जीत के लिए मात्र 4 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पर आकाश, ओ बढ़िया बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट करने में कामयाब और अब मैच में अभी भी जीवित रखा है रोहित 11 को। आखिरी ओवर में 4 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। हालांकि ओवर काफी अच्छा किया है, मात्र 3 रन इस ओवर में खर्च किए थे,
अजय ने और दो विकेट अपने नाम किए। बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। अभी भी चार रन की जरूरत है आखिरी ओवर में, तो देखना है कौन सा वो गेंदबाज होगा जिस पर कप्तान भरोसा जताएंगे, जिस पर पूरी टीम का भरोसा होगा, जो कुछ चमत्कार कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। टोटल स्कोर है 28, चार रन, 4-2 कंपल्सरी चेस है। ग्लेन निखिल पवार, प्लीज थोड़ा अनुशासन में रहें प्लीज। ये टूर्नामेंट आपके लिए है, एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट जो यहां पर स्लेटर रोड मंडल व जीटीएससी गवालिया टैंक मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। दो दिन तक ये क्रिकेट का महाकुंभ चलेगा, जो स्वर्गीय विराज गोवेकर जी की स्मृति में हर वर्ष इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। आज ये 13वां वर्ष हम देख रहे हैं और आज इस पहले दिन का दूसरा मुकाबला, दूसरे मुकाबले में अब आखिरी ओवर में चार रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। शरण है 11 को, गेंदबाजी आक्रमण में निखिल पवार को लगाया गया है और स्ट्राइक पर इस समय शुभम। 6 गेंदे, 4 रन, फील्डिंग देखिए, शॉट पर 3 फील्डर तैनात हैं। ओहो, कट किया पॉइंट के ऊपर से, डिक्लेयर जोन में गेंद गई है। कितना रन है अंपायर का इशारा, 1 सिंगल। 5 गेंदे और अब 3 रन की जरूरत है। फील्डिंग पोजीशन देखिए, कवर पॉइंट पर एक देख सकते हैं डीप में फील्डर, एक कवर्स पर, एक शॉर्ट कवर पर, शॉर्ट पॉइंट पर। ओह, लाजवाब गेंदबाजी और क्या टर्न देखने को मिली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सांप रिंग कर गया वहां पर, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। खेलना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन जब गेंद ने टप्पा खाने के बाद कांटा बदला, उसके बाद अपने आप को भी रोक पाए, वो रोकना ही पड़ा। 4 गेंदे, 3 रन। ओहो, एक और टर्न देखने को मिली, इस बार फील्डर गेंद के नीचे पहुंच नहीं पाए और गेंद निकल गई 2 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। और ऐसा लग रहा है कि यह मौका था, लेकिन उस मौके पर कोई भी फील्डर डीप में मौजूद नहीं था जहां पर कैच हो सकती थी। गेंद बहुत बढ़िया थी, बल्लेबाज ने जैसे तैसे गेंद को खेला, गेंद हवा में थी, फील्डर ने कोशिश की, लेकिन गेंद तक पहुंचने से पहले 2 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। अब 1 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। ओहो, मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी देखिए, जो पिछली गेंद पर जो कैच उड़ा था, अगर वहां पर किसी फील्डर ने थोड़ा सा जोखिम उठाया होता, थोड़ी सी यहां पर अपने मैच के प्रति जो है थोड़ी सी तेजी दिखाई होती, तो वो कैच पकड़ लेते और ये मैच भी शायद पकड़ लेते। फिलहाल अब 1 रन की जरूरत है, 2 गेंदे बाकी हैं, 2 गेंदे, 1 रन, मैच बिल्कुल रोमांचक। मैंने पहले ही कहा था कि ये आखिरी गेंद तक ये मैच जाएगा और आखिरी ओवर तक जाएगा निश्चित रूप से, और वही यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आकाश बैक टू द पवेलियन रनआउट के रूप में और उनकी जगह लेने गए हैं नए बल्लेबाज। आतिश, 2 गेंदे, 1 रन। अब देखिए, ये ऐसा लगता है नियम बन गया है कि हमने अक्सर देखा है जब 1 या 2 रन चाहिए होते हैं तो सभी फील्डर्स को जो है शॉट पर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन गेंदबाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 गेंदे और 1 रन, किस प्रकार से गेंदबाजी होगी। फुल टॉस, फील्डर है वहां पर, रन आउट का मौका है और ये देखिए, यस, एक और विकेट और अब मैच में एक और ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबरदस्त। तो ये थी यहां पर रणनीति श्रेयस तेंदुलकर एंड टीम की,
पूरी टीम ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है आखिरी ओवर में। और यहां पर देखिए फील्डिंग की है, जबरदस्त लाजवाब फील्डिंग। जैसे ही गेंद हाथ में आई, तुरंत गेंदबाज के हाथों में दिया रन आउट के रूप में, एक और विकेट, लगातार दो गेंदे डॉट। आखिरी गेंद और आखिरी गेंद पर एक रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। रोहित इलेवन ने जबरदस्त वापसी की है और अब सोचने पर मजबूर कर दिया है शरण इलेवन को, जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि एक तरफा जीत मिल जाएगी। 12 गेंदों में 7 रन की जरूरत थी, लेकिन वो मैच अब आ गया है एक गेंद और एक रन। आखिरी गेंद नहीं, अब ये सब चलता रहेगा। आतिश स्ट्राइक पर हैं और इस समय जिम्मेदारी सबसे ज्यादा निखिल पवार के ऊपर है। 3 रन अब तक उन्होंने खर्च किया है, मात्र 4 रन चाहिए थे जब ये ओवर शुरू हुआ था। और अब आखिरी गेंद पर एक सिंगल की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। सभी फील्डर शॉट पर तैनात, डीप में कुछ फील्डर हैं, लेकिन देखना है गेंद कहां पर जाएगी। बारी किनारा, श्रेया तेंदुलकर से गेंद चटक गई और इसी के साथ एक रन यहां पर पूरा किया और मैच को जीत लिया है आखिरी गेंद पर। और क्या लाजवाब, जबरदस्त रोमांचक मैच देखने को मिला। जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, जितनी भी तारीफ की जाए गेंदबाज निखिल की कम होगी। शानदार गेंदबाजी अजय के द्वारा चौथे ओवर में, लेकिन आखिरकार शरण इलेवन ने जीतकर अपना परचम लहराया इस मैच में। शानदार बल्लेबाजी, शानदार फील्डिंग और आखिरकार जीतकर विनर बने हैं, अगले दौर में प्रवेश किया है। तो बहुत 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 बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन मैच को जीतने के लिए। और हार्ड लक में कहूंगा रोहित इलेवन को, क्या रोमांचक मैच देखने को मिला। तो यहां पर यही फायदा होता है जब कोई अच्छा खिलाड़ी या फिर कोई बड़े खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट जगत में यहां पर खेलते हैं, तो या फिर रोमांचक मैच देखने को मिले या फिर अच्छा मैच देखने को मिले। और मैं लूजिंग टीम रोहित इलेवन के कैप्टन रोहित इलेवन के कैप्टन प्लीज आए। और मैन ऑफ द मैच कौस्तुभ मयूर स्पोर्ट्स की तरफ से टी शर्ट। एक तरफा बैटिंग करके शानदार बल्लेबाजी कौस्तुभ के द्वारा 21 रन, 21 रन बनाए अपनी टीम के लिए। वन मैन शो बैटिंग की, हालांकि आखिर में थोड़ी सी डगमगाई जरूर टीम, लेकिन अंत में विजय हुई उनकी। तो पूरा श्रेय निश्चित रूप से क्रेडिट जाता है कौस्तुभ को, शानदार बल्लेबाजी की है। और वसंत